तो मैं चाहता हूँ एक नए कलाम से आप हजरात को कुछ शेर नए कलाम के आपको सुना दूं, मतलब हाजिर करता हूँ मुजाहिद भाई बतौर खास मुलाहिद सुनना चाहते हैं आप लोग। बहुत सारे मदरसे के बच्चे हैं और बिचारों ने बड़ी फरमाइशें की हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक दो शेर पढ़ दूं। अल्लाह सलामत रखे आपको। कुछ बच्चे आए मेरे पास कान में कहने लगे कि आप घबराइए मत, आपको सुन के ही हम लोग जाएंगे। अल्लाह जजाए खैर दे आपको, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मतलब पढ़ता हूँ मुलायदा करें कि कमर डूबा कमर डूबा कमर को उंगलियों से वो कमर को उंगलियों से वो मिश्रा बोल रहा है सुने दोस्तों घुमाना जानते हैं। थोड़ा सा कम करो, हल्का सा कम करो आवाज कि कमर को उंगे कमर को उंगलियों से वो घुमाना जानते हैं कमर को उंगलियों से वो घुमाना जानते हैं हैं। अरे नबी डूबा हुआ सूरज बुला जानते हैं। जिंदाबाद वाह, डबल सवाब। आप इनाम देंगे अशफाक को, वो सवाब मिलेगा, वो पैसा जाएगा मस्जिद में, ये सवाब अलग। हाय भाई, चंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंदा करने के लिए अल्लाह ने सिर्फ दिल खैराबादी को पैदा किया है, तो अल्लाह वो हिदायत आपको भी दे। कुछ बोल नहीं पाऊंगा चंदे के लिए, लेकिन इतना कहूंगा जो पैसा आप देंगे वो इंशाल्लाह मस्जिद में ही जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आपको, मुलायदा फरमाए कि नबी डूबा हुआ सूरज बुलाना जानते हैं अब एक शेर पढ़ता हूँ, दिल भाई देखेगा कि दरे सरकार और से सुनिएगा, एकदम सादे सादे शेर आपको सुना रहा हूँ, बहुत ज्यादा गाढ़ी उर्दू में नहीं, एकदम सादे से कि दरे सरकार पे साइल खड़ा हो करिए कहता है, दरे सरकार पे साइल खड़ा हो कर ये कहता है, दरे सरकार पे साइल खड़ा हो कर ये कहता है क्या। अरे मेरे आका तो भूखों को खिलाना जानते हैं, मेरे आका तो भूखों को खिलाना जानते हैं एक मतलब दो तीन शेर और हाजिर कर दूं, टाइम नहीं देखा मुझे, टाइम देखा नहीं है तो थोड़ा आप देख लीजिए। 15 मिनट का था, उसमें 5 का इजाफा किया गया, 20। अब मतलब हाजिर करता हूँ यहाँ से एक कलाम के बतौर खास मुलाहिदा फरमाए कि सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से, सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से,
मुस्तफा अपने हर उम्मती के क्या कहें इंशाल्लाह सही है इंशाल्लाह। थोड़ा सा बेदार होंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। ये मदरसे के बहुत सारे बच्चे हैं, आप हजरात शेर समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बेदार हो जाए कि सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से, सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से, मुस्तफा अपने हर उम्मत मुस्तफा अपने हर उम्मत के सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से, मुस्तफा अपने हर उम्मत के मुस्तफा अपने हर उम्मत के। अरे हक ताला से बेहद करीबी, हक ताला से बेहद करीबी है ताल्लुक हमारे नबी के, हक ताला से बेहद करीबी है ताल्लुक हमारे नबी के। अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं हाजिर करता हूँ शेर मुलायदा फरमाए। सुभान अल्लाह बोलते रहे भाई। हक ताला से बेहद करीबी है ताल्लुक हमारे नबी के, अरे उनके दामन से हट कर जिधर जाएंगे, उनके दामन से हट कर जिधर जाएंगे, सबकी नजरों से एकदम उतर जाएंगे, उनके दामन से हट कर जिधर जाएंगे, सबकी नजरों से एकदम उतर जाएंगे। अरे हम सिफारिश पे जिंदा सरकार के, हम सिफारिश पे जिंदा है सरकार की, हम सिफारिश पे जिंदा है सरकार के। अरे वो न होगी तो जीते जी मरे जाएंगे। ये है इश्फाक बहराइची। ताल्लुक हमारे नबी के माशाल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये दो चार लोग बेचारे बार बार आ जा रहे हैं, अल्लाह इनकी कमाई में खूब बरकत अता फरमाए। रुपेश नेपाल पुलिस जो है इन्होंने 20 बोरी सीमेंट दिया है माशाल्लाह। अल्लाह इनके हाँ भगवान इनके देने को कबूल करे। अच्छा एक शेर मैं हाजिर करता हूँ मुजाहिद भाई। हाँ सुने दोस्तों। लॉकडाउन आप नेपाल में लगा था कि नहीं लगा था? लगा था। पूरी दुनिया के अंदर लगा था लॉकडाउन। आप अंदाजा लगाइए, हर जगह लोग परेशान थे, जो जहाँ था वहीं फंसा हुआ था। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए उन लोगों के बारे में जो मदीने में फंसे थे, कितना खूबसूरत समा रहा होगा उन लोगों के लिए। एक शेर यहाँ से हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलायदा फरमाए। एक आध मर्तबा कह दे दो चार लोग सुभान अल्लाह। कि हक ताला से बेहद करीबी है ताल्लुक हमारे नबी के। शेर सुने कि मैं मदीने पहुंच कर खुशी में पियों भटक जाऊं शहरे नबी में, मैं मदीने पहुंच कर खुशी में यूं भटक जाऊं शहरे नबी में। अरे मैं मदीने पहुंच कर खुशी में
पर खुश में यो भटक जाओ शहर नबी में, हाँ यो भटक जाओ शहर नबी में। अरे बंद हो जाए शहर नबी से, बंद हो जाए शहर नबी से, रास्ते सब मेरी वापसी के, नबी से रास्ते सब मेरी वापसी के, रास्ते सब मेरी वापसी के। एक शेर जो मुझे बेहद पसंद है वो हाजिर करता हूँ आपकी समातों के हवाले है कि ऐसे सिद्दीक ने, ऐसी सिद्दीक ने, ऐसे सिद्दीक ने जान लुटाई, दो सिद्दीक इस तरह से निभाई। खलीफे अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने जहन में रखें और ये शेर मुलायदा करें कि ऐसे सिद्दीक ने जान लुटाए, दो सिद्दीक इस तरह से निभाए, कि ऐसे सिद्दीक ने जान लुटाए, दो सिद्दीक इस तरह से निभाए, हाँ दो सिद्दीक इस तरह से निभाए। अरे दोनों आलम दोनों आलम में चर्चे रहेंगे, दोनों आलम में चर्चे रहेंगे, हशर तक आप की दो से देखे, दोनों आलम में चर्चे रहेंगे, हशर तक आप की दो से देखे। अभी ये शेर मुकम्मल नहीं हुआ, शेर मुकम्मल होगा जब मैं चार मिसरे पढ़ूंगा। मैंने एक मिसरा पढ़ा, इसके अंदर दोनों आलम में चर्चे रहेंगे हश्र तक आपकी दोस्ती के, क्यों रहेंगे चर्चे। अब यहाँ से शेर हाजिर करता हूँ, उलमाए किराम को शरीक करूंगा, हाफिज नेक मोहम्मद साहब और बाबा इस्माइल साहब दामत बरकातहू और अब्दुल्ला भाई और तमाम कमेटी के जिम्मेदार लोग जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। यहाँ से शेर मुलाहिदा फरमाएं कि दोनों आलम में चर्चे रहेंगे, हशर तक आप की दो से देखे, कि आप तकलीफ सहते रहे गार में, आप तकलीफ सहते रहे हार में, आपने मुस्तफा को जगाया नहीं, आप तकलीफ सहते रहे हार में, आपने मुस्तफा को जगाया नहीं, आपने मुस्तफा को जगाया नहीं। अरे सांप डसता रहा आप रोते रहे, सांप डसता रहा आप रोते रहे, सांप डसता रहा आप रोते रहे, पर अंगूठे को बिली से हटाया नहीं। ये है अशफाक बहराई जी, हश्र तक आप की दो से देखे। दो तीन मिनट बचा है मेरा, एक आखिरी शेर मक्ते का मैं पढ़ देता हूँ, इनायत खास अता कर कि हश्र तक आप की दो से
एक शेर अली जनाब दिल खैराबादी साहब और बड़े भाई आफताब रहबर साहब मुजाहिद भाई तमाम शोरा इकराम की शिरकत और ये मक्ता मुरादा फरमाए कि जिसने रोजे सुने दोस्तों बहुत कम मिलते हैं इस मौजू को छूते हुए लोग शेर सुने जिसने रोजे में जाली लगाई क्या बात अभी अभी आपकी मस्जिद भी कोई मिस्त्री बनाएगा बनाएगा कि नहीं बनाएगा जिसने गुम्बदे खजरा बनाया होगा शेर सुनिए मुलायदा करें कि जिसने रोजे में जाली लगाई जिसने तामीर गुंबद किया है क्या बात है अरे जिसने रोजे में जाली लगाए लगाए जिसने तामीर गुंबद किया है अरे जिसने रोजे में जाली लगाए चूमेंगे अशफाक बढ़ कर हम भी चूमेंगे अशफाक बढ़ कर हश्र में हाथ उस मिस्तरी के हम भी मिस्तरी का जवाब बढ़ कर हश्र में हाथ उस मिस्तरी के हम ताला से बेहद करीबी है ताल्लुक हमारे नबी के आए हाय दोस्त